chemistry. दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चलिए प्यारे दोस्तों, मैं आपकी इस वीडियो में मैं एक टॉपिक पर बात करने वाला हूँ, कीटोन। कीटोन ग्रुप के समूह के बारे में आज बात करूंगा इस वीडियो में। दोस्तों इसके पहले वीडियो में मैंने आपको एल्कोहल और एल्डिहाइड के बारे में चर्चा कर दी है, और इसके पहले मैंने एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन शारीरिक के तत्व के बारे में मैंने आईपीएससी नियम निकलना आप लोगों को मात्र चुटकियों में सिखा दिया था। अब आइए इस वीडियो में कीटोन ग्रुप में कैसे आईपीएससी नाम कीटोन ग्रुप का लिख सकते हैं। चलिए कीटोन ग्रुप क्या होता है ये सब देखिए। मेरे दिमाग से मैं जो बात बता रहा हूँ आप लोगों को, सबसे महत्वपूर्ण बात है वह देखिए कीटोन क्या होता है। देखिए कीटोन क्या होता है, कीटोन KETONES कीटोन, कीटोन का मतलब होता है RCOR। क्या होता है RCOR। कीटोन की पहचान क्या होती है, उसकी पहचान जैसे आपकी पहचान है, मेरी पहचान है, और किसी की पहचान है, उसी तरह कीटोन है। क्या है, कीटोन है। कीटोन क्या दोस्त है, कीटोन एक ग्रुप है। क्या है, ग्रुप। कीटोन क्या है, एक समूह है। क्या है, एक समूह है, ग्रुप है। और कीटोन को क्या कहते हैं, कीटोन को RCOR कहते हैं, अथवा या क्या कर सकते हैं। देखिए मैं बारीकी से बता रहा हूं आप लोगों को, कीटोन क्या होता है RCOR और अथवा RC OR अथवा RC OR-। मतलब इतने की क्या है सर, हमको बात समझ में नहीं आ रही है आपको। चलिए दोस्तों, यदि आपकी बात मेरी समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, बड़ा ध्यान से जरा देखिएगा। कीटोन जो होता है RCOR, R का मतलब क्या होता है दोस्त, R का मतलब होता है कि CH3। क्या होता है, CH3। इस R का मतलब क्या होता है, CH3। R का मतलब जो है CH3, एकल बांड होता है CO और R। R का मतलब होता है CH3 होता है, तो R का मतलब CH3, मतलब R बराबर होता है CH3। क्या होता है, R बराबर होता है CH3, तो R का मतलब CH3 CO CH3। ठीक, और इस R का मतलब या इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि CH3 C OO, क्योंकि यहाँ पर आएगा ये CO बना देगा। इसी तरह चाहे RC आपको पेपर में इस तरह टाइप के क्वेश्चन बिन सकते हैं कि CH3 CO न लिखकर C OO लिख दे और एकल बांड लिख दे CH3, ऐसे भी लिखा जाए, और इस चीज को ऐसे भी R- का मतलब है CH3 C OO CH। R- का मतलब होता है कि CH3 CH2 CH2, जितना चाहे जितना भी हो सकता है कि CH2 CH2 CH3, चाहे जितना यह लंबी श्रृंखला बन जाए। R- का मतलब जितना भी श्रृंखला लंबी बन जाए, ये R- का मतलब होता है। जैसे ही यह लंबी श्रृंखला बन जाए उसको कहते हैं R-। तो इस चीज का मतलब मैंने बताया कीटोन। कीटोन क्या होता है, कीटोन एक समूह होता है, RCOR इसकी पहचान होती है, RC OR RC OR R-। आर इसको कैसे लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है, इस एग्जांपल के तहत मैं आपको समझाया। ठीक, तो ये है, ये कैसे इसका आईपीएससी नेम लिखा जाता है, मैंने तो बतलाया अभी तक ये कि इसकी डायरेक्शन RCOR RCOR- याद कर कीटोन का ग्रुप का समूह का आप नाम याद करेंगे। पहले तो जब आपको यह नाम याद आ गया कि RCOR RCOR- इसका पहचान है। ठीक, जब इतना हो गया तो आइए इस आईपीएससी नेम आईपीएससी नामकरण, आईपीएससी का नामकरण कैसे दोस्तों करते हैं चलिए देखते हैं। इससे मैंने कहा एल्केन, हमेशा आरबीच, हमेशा क्या होता है एल्केन, एल्केन में जो होता है ई, क्या होता है ई, तो ई को हम रिप्लेस करेंगे, क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ई को हटाएंगे। जब ई हटा तो ओ एन ई जुटा, क्या जुटा, ओ एन ई, ओ ने जुटा, क्या जुटा, ओ ने जुटा।
ओ यानी ओम जुटा। जब ओम जुटने के बाद ई के स्थान पर क्या जुट जाएगा, ओम, क्या जुट जाएगा, ओम। तो एल के एन हो गया, ई हटा तो ओ एन, ई जुट गया, कितना जुटा ई के स्थान पर, किसके स्थान पर, ई के स्थान पर, ई के स्थान पर जुटा तो एल के नून हो गया, क्या हो गया, एल के नून। ओन जुटा तो एल के नून हुआ, क्या हुआ, एल के नून, क्या नहीं आया दोस्तों, आ गया, चलिए तो एल के नून हुआ। और इसका सामान्य सूत्र जो होता है कीटोन का दोस्तों, वह Cl H2NO होता है, क्या होता है, Cl H2NO होता है। चलिए इतना आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का हो गया होगा। अब मैं ये सब चीजें, अब जैसे मैंने बताया CH3CO CH3, ये क्या है, CH3। अब जो CO का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर क्या है, जो CO है कीटोन का ग्रुप, इस कार्बन की भी काउंटिंग में आएगा, काउंटिंग, यह कार्बन CO जो है यह तो ग्रुप है, समूह है, लेकिन यह भी क्या होगा, LPSC के काउंटिंग में, नामकरण में आएगा, इसका भी नाम आएगा आप लोगों को, ठीक। चलिए इसका भी काउंटिंग में नाम आएगा, तो हम गिनते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब मैं LPSC नामकरण लिखना सबसे महत्वपूर्ण फिर एक बार रिवीज करता हूँ कि वह लंबी से लंबी श्रृंखला चुनिए जिसमें ग्रुप का होना अनिवार्य है, यानी कि वह ग्रुप में मिल जाए, वह लंबी श्रृंखला भी हो, हमारा ऐसी पहचान होती है। ऐसी मैंने कहा इधर से CO दो नंबर पर, इधर से भी CO दो नंबर पर, जिधर से भी CO हम काउंटिंग कर ले इस LPSC में, ठीक। अब 1 2 2 नंबर पर क्या बता दीजिए। अब ऐसे तो इसका सामान जो होता है नाम एसीटोन होता है, एसीटोन, एसीटोन क्या होता है, CH3CO CH3। जैसे आपके जैसे मान लीजिए रिएक्शन लिख रहे हैं, रिएक्शन में जब हम एसीटोन को NaCl से अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो क्या बनता है, एसीटोन। यदि आपको एसीटोन का सूत्र मालूम रहे, जैसे CH3CO CH3, मैंने क्या कहा CH3CO CH3, यदि एसीटोन मैंने बताया, यदि एक चीजें आप लोगों को एसीटोन का फॉर्मूला मालूम है, मान लीजिए कि एसीटोन पर हम NaCl की अभिक्रिया कराते हैं, इंटरमीडिएट की क्लास में आता है पेपर में, एसीटोन की हम जब NaCl की अभिक्रिया कराते हैं और अन्य चीज की भी अभिक्रिया करा सकते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, बनने वाला जो कंपाउंड होता है वह क्या बनता है, तो एसीटोन का सूत्र यहाँ से एक कीटोन ग्रुप से मालूम चलता है, ठीक। तो एसीटोन हो गया, मान लीजिए 1 2 3, अब 1 2 2 नंबर पे CO लगेगा, तो 2 हो गया, क्या है 1 2 3, 3 कार्बन से क्या, मैंने आप लोगों को बताया था थ्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टा आफ्टर नोन डेक, यानी क्या बताया था, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10, 10 के बारे में मैंने डिस्कशन किया, मेन एज प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टा आफ्टर नोन डेक, ये आपको मैंने बताया था 1 2 3, और कार्बन की संख्या किलो 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ है, तो प्रूफ PROP प्रूफ। अब एन ई हट गया, ओ एल ई जुटा, क्या जुटा, ई हट गया, ई मैंने हटा दिया, प्रोपे ई के स्थान पर ओ एल ई, तो 2 प्रोपेनोन, क्या मैंने लिखा, 2 प्रोपे, ठीक है, 3 नंबर से प्रूफ है, ठीक है, प्रोपेनोन, क्या मैंने लिखा, प्रोपेनोन, 2 प्रोपेनोन, मैंने क्या लिखा, 2 प्रोपेनोन, ठीक। तो आया समझ में कि नहीं आ गया होगा, चलिए इसको नोट डाउन कर लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये LPSC नाम करना है, जो आप लोगों को परीक्षा में रिएक्शन के रूप में और आपकी LPSC के एक एक नंबर में आता है। चलिए दोस्तों नोट करिए, चलिए आप लोगों का हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए इसको मिटाता हूँ, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के बेसिक तरीके से सिखाता हूँ, एग्जाम्पल कि LPSC को हम कैसे किस तरह सिखाते हैं, एक बेहतरीन टेक्निक के साथ मैं आपको आज की टोन ग्रुप पर आऊंगा। दोस्तों मैंने कहा कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH2 और CH3 कि इसकी आयु पी ए पी
पीएससी, आईपीएससी नाम का क्या होगा। तो आप दोस्त पहले क्या करेंगे, दोस्त आप सबसे पहले करेंगे कि आप इस चीज को देखेंगे, देखने के बाद आप सोचेंगे यह किस समूह का है, क्या एल्कोहल है, ओएच लगा है क्या, क्या एल्डिहाइड लगा है, सीएचओ लगा है क्या, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है गाइस, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मैं उस बात का जिक्र करूंगा जो मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को। सर कीटोन लगा है, सीओ लगा है, इसका मतलब आपने बताया था सीओ सी आर, सीओ आर आर सीओ आर डैश, इस चीज आपने बतलाया था, यानी कि सीओ कीटोन ग्रुप का हो सकता है। कीटोन ग्रुप में ई के स्थान पर ओ एन ई जुड़ता है, क्या जुड़ता है, ओ एन ई, ओन जुड़ता है सर। अब तो मालूम हो गया ये कीटोन ग्रुप का है, लेकिन कितने नंबर पर लगा है, 1 2 3 नंबर पर लगा है, कितने नंबर पर, 3 नंबर पर। कितने कार्बन है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी है, तो आप गिनेंगे 1 2 3 4 4 5, कितने हैं 5, अभी तो 1 2 3 4 5 4 सॉरी 4 5। अब किधर से नजदीक, 1 2 3 पर, 1 2 3 पर। अब लिखने की कोई आवश्यकता बार बार नहीं है दोस्तों, इसको मैंने आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो इसको आप काउंट कर 1 2 3 इधर से नजदीक तुरंत आप काउंट करके बता सकते हैं कि आप यूपीएससी नाम पर कैसे लिख सकते हैं। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, तो हम इधर से 1 2 3 3 नंबर पर क्या है, 1 2 3 4 5 5, क्या है, कार्बन है, 5 कार्बन से पेंट होता है, देखिए पेंट क्या होता है, PENT पेंट, AN जोड़ दीजिए E के स्थान पर, O यानी E जोड़ दीजिए, पेंटेनून, क्या हो गया 3, ऐसे लिख दीजिए हिंदी में, पेंटेनून, पेंटेनून है, हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, दोनों में लिख सकते हैं, 3 कोई दिक्कत पड़ता नहीं, पेंटेनून, क्या लिख सकते हैं, 3 पेंटेनून लिख सकते हैं आप, क्योंकि दो दो चार पांच कार्बन, पांच कार्बन से पेन होता है, एन होता है, ई के स्थान पर ओ एन ई जुड़ जाता है, बात खत्म, बात खत्म, कुछ भी नहीं करना, क्या करना। चलिए इसको नोट डाउन कर, फिर आपको एग्जांपल के साथ मैं एक और सिखाता हूँ क्या होता है। चलिए आईपीएससी नामकरण लिखना बहुत ही आसान है, बस कर सकते आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान मेहनत का। मैंने कहा लिखा कि CH3 CH2 CH2 और C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। चलिए इसका आईपीएससी नामकरण, आईपीएससी नामकरण क्या होगा दोस्त, इसका आईपीएससी नेम, तो सबसे पहले किस ग्रुप का समूह है, किस कहाँ है, ऐसे सब पहचान होंगे, तो सीओ लगा है, सीओ कीटोन ग्रुप होता है, ई के स्थान पर ओ एन ई जुड़ता है, बात इतना बन गया, बन गया। आपका नंबर, आप कितने, किधर ग्रुप नजदीक है, आप गिनने की कोई आवश्यकता, इधर से गिन 1 2 3 4 4 नंबर पर सीओ लगा, इधर से 1 2 3 1 2 2 नंबर पर का सीओ लगा है, तो 1 2 CO 2 नंबर पर सीओ लगा है, 2 नंबर पर सीओ लगा है, तो 2 क्या लिखेंगे, 2 पर क्या, या अलग अलग आईपीएससी नामकरण भी लिख सकते हैं, इस नामकरण आईपीएससी अलग अलग भी लिख सकते हैं, 2 हो गया, इसका नामकरण आईपीएससी नामकरण अलग अलग भी हम डिजाइन के लिख सकते हैं। मैंने कहा कि 2 लिखने के बाद मैंने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 6 6 से क्या हो गया, 6 से हेक्स, एच ई हेक्स ए, हेक्स से ई के स्थान पर ओ एन ई जोड़ दीजिए, जो यहाँ पर ई है, ई तो ई के स्थान पर हमारा ओ एन ई जोड़ दीजिए, हेक्सिनोन, क्या हो गया, हेक्सेनोन हो गया, हेक्सेनोन हो गया, हेक्सेनोन, 2 हेक्सेनोन, क्योंकि 2 क्यों हुआ, 1 2 2 पर सीओ लगा है, सीओ ग्रुप क्या होता है, कीटोन, कीटोन का 2 नंबर पर कीटोन, और कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 है, इधर से सही है, 1 2 3 4 5 6 2 नंबर पर ए है, तो 2 हेक्सेनोन लिखेंगे, क्योंकि 3 नंबर पर सीओ है, क्योंकि कार्बन की संख्या में गिर रहा है, तो 3 नंबर पर है, ठीक, 3 हेक्सेनोन, या आप लिख सकते हैं 3 हेक्से
3 हेक्सेनोन आप कह सकते हैं। CH3CH2CH3CH2CH3CH2 के तहत मैं आप लोगों को इसका आईपीएससी नामकरण लिखना पड़ रहा है। चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए अब हम कर सकते हैं इस एग्जाम्पल का आईपीएससी नामकरण। क्या लिखते हैं? आईयूपीएससी नामकरण। क्या लिखते हैं? आईयूपीएससी नामकरण। इसका हम आईपीएससी नामकरण लिखते हैं। आइए हम गिनते हैं कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7। इधर से 1 2 3 4 5 फाइव नंबर पर सीओ लगा। कितने नंबर पर? फाइव नंबर पर सीओ लगा। 1 2 3 4 5 फाइव नंबर पर सीओ लगा है तो इधर से हम काउंटिंग नहीं करेंगे। इधर से हम काउंट, जिधर से ग्रुप नजदीक हो उधर से हम काउंटिंग करना सीखेंगे। तो 1 2 3 थ्री नंबर पर क्या लगा है? थ्री नंबर पर सीओ लगा है। 1 2 3 थ्री नंबर पर सीओ लगा है। ठीक हो गया। या ग्रुप कितने नंबर पर है वो चीज हो गया। 1 1 2 3 4 5 6 7 सेवन से क्या है? सेवन से हेप्ट है। CO लगा इसलिए ओन। तो थ्री हेक्से ओन नून, थ्री हेक्से नून या लिख सकते हैं अथवा आप थ्री हेक्से नून। क्या लिख सकते हैं? थ्री हेक्से नून, थ्री हेक्से नून लिख सकते हैं। थ्री हेक्से नून आप लिख सकते हैं। ठीक। चलिए आपको दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ होमवर्क के लिए। इतना आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए CH3CH2 CO CH2CH3 दूसरा होमवर्क CH3CH2 CO CH2 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 CH3। बस ये दो एग्जाम्पल है आपको, पहला एग्जाम्पल दूसरा आपको घर से लगा कर आना है। इसको सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया है आईयूपीएससी नामकरण। आईयूपीएससी का नामकरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसको आपको घर से लगा कराना है, इसको देखना, बेसिक तरीके से सीखना सीखे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको हर चीज बता, कीटोन क्या है, कीटोन की पहचान क्या है, कीटोन में क्या जोड़ते हैं क्या हटाते हैं उसके बारे में मैंने एनालाइज किया आप लोगों के सामने, उसका एग्जाम्पल भी किया आप लोगों के सामने, और मैंने होमवर्क भी दिया। बात कार्बन की संख्या गिनना है, क्या लगा है? सीओ लगा के, वो एलडीआई लगा के, एल्कोहल लगा क्या है या पहचान लीजिए। पहचानने के बाद अब आईपीएससी नामकरण एकदम आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कोई दुरा की बात नहीं है, बस वीडियो को देखते रहिए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, आप शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।